वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली ब्लॉग रूबी ठाकुर। अभी हम दीपावली के शॉपिंग के लिए आए हैं। आप देखिए कितना खूबसूरत ये मूर्ति सब है। शॉपिंग का इतना गहमा गहमी में आप देखिए एक स्टॉल में हम आए हैं। ये देखिए हैंडमेड ये फाउंटेन है राधा कृष्ण। आप देखिए कितना ब्यूटीफुल है और लाइटिंग भी इतना फर्स्ट क्लास है। आप देखिए ये शंकर जी है, भोले शंकर, उनके जटा से ऐसा लग रहा है जैसे गंगा माँ खुद ही निकल रही है। बहुत ही सुंदर यूनिक है, बहुत ही कलरफुल है। आप देखिए ये भोले शंकर, ये देखिए ये फाउंटेन हैंडमेड है, मिट्टी से इन्होंने बहुत मेहनत से खुद बनाया दीपावली के उपलक्ष में। बहुत ही सुंदर है, बहुत मेहनत किया है इन लोग ने। यहाँ पर आप देखिए इसमें फूल दीपक वगैरह लगा के वेलकम के लिए एंट्रेंस में रखते हैं। अब ये देखिए और भी फ्लावर बेस कितना सुंदर। ये आप देखिए भोले शंकर का, इसमें आप जल डाल के पानी भर के और फूल वगैरह फ्रेश फूल डाल के दीपक लगा सकते हैं। दीपावली तो लाइट ऑफ फेस्टिवल है, तो दीपावली में तो लाइट का मेन होता है। इतना सुंदर लगता है दीपावली का त्योहार, आने के 10 दिन पहले ही दीपावली से पहले घर की साफ सफाई सभी लगे रहते हैं और जिस दिन दीपावली है देखने योग्य रहता है पूरा शहर। मैंने तो जयपुर में देखा बिल्कुल शाम को सब घूमने के लिए लाइटिंग देखने के लिए जाते हैं। यहाँ भी आप देखिए सब कितना सुंदर लग रहा है। आप देखिए ये दीपक, ये फ्लावर बेस इनका शॉप है। ये देखो कितना सुंदर है, इसमें कितने दिए हैं, एक साथ जल उठेंगे तो कितना सुंदर लगेगा। बिल्कुल ये नहीं, ये बिल्कुल ये यूनिक है। ये कितने के? 600। बहुत ही सुंदर है। आप देखिए एक स्टॉल है लोगों ने लगाया है, राधा कृष्ण जी का भी बहुत सुंदर है। ये आपका है दुकान, बहुत ही सुंदर है, सबसे हटके है, सबसे अलग हटके दुकान में आपका, बहुत यूनिक है और सारा फाउंटेन भी बहुत अच्छा है। ये फाउंटेन कितने का है? अभी जिनका दुकान है मैं उनसे बात करती हूँ। सब कुछ अलग है, जिस तरह हमारे यहाँ दीपावली मनाया जाता है। ये देखिए ये भी कितना सुंदर है, अंदर दीपक लगा के इसको आप लटका सकते हैं कहीं, बहुत ही अलग है, सुंदर है। ये अभी बिजी है, व्यस्त है कस्टमर को हैंडल करने में, इसीलिए मैं इनसे बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि इनका फिर कस्टमर चला जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, नमस्कार।